नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर उत्तरकाशी से आ रही है। उत्तरकाशी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहीं शहीद पार्क ज्ञानसू में वार मेमोरियल में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हर्सिल आर्मी में तैनात 11वीं बटालियन जैकलाई के 4 जवान अचानक करंट की चपेट में आ गए। इनमें से एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायल जवानों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान जिला अस्पताल पहुंचे और जवानों से मुलाकात की। हरसिल में तैनात 11वीं बटालियन जैकलाई की एक टीम बुधवार को शहीद पार्क ज्ञानसू में वार मेमोरियल में श्रद्धांजलि की तैयारी कर रही थी। जवान टेंट लगा रहे थे, तभी तेज हवा के साथ आंधी तूफान आ गया। इससे कहीं से टेंट में करंट उतर आया और 4 जवान इसकी चपेट में आ गए। हादसे में राइफलमैन करण आजाद निवासी जाम्बू की मौत हो गई है। वहीं पवन कुमार, विशाल शर्मा और गणेश राजकुमार घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल चिकित्सालय डॉक्टर निकिता का कहना है कि सभी घायल जवान खतरे से बाहर है। वहीं कोतवाली निरीक्षक दिनेश कुमार मृतक का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।